तो लास्ट कई दिनों से एक के बाद एक एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है पोस्टपोन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि तुम लोगों का माइंड थोड़ा लाइट करने के लिए एक थोड़ा अलग टाइप का वीडियो अपलोड कर दूँ, मतलब थोड़ा लाइट टाइप ऑफ वीडियो, ताकि तुम लोगों को एक थोड़ा रिलैक्स और सूदिंग फील मिल जाए। तो चलो, ये होने वाला है एक स्टोरी टाइम वीडियो। और बाय द वे, दिस इज़ देवांकुर चक्रवर्ती, फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट एट राजगढ़ मेडिकल कॉलेज कोलकाता। भाई पढ़ते हो ना? ओके, तो पहला दिन सभी के लिए बहुत ही मेमोरेबल रहता है किसी भी चीज़ के लिए। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा फर्स्ट डे एट आकाश इंस्टीट्यूट। जिन लोगों को नहीं पता, मैंने अपने ड्रॉप ईयर में आकाश इंस्टीट्यूट में अपने आप को एनरोल किया था फॉर द 1 ईयर ड्रॉपर कोर्स, और मेरा ब्रांच था सेंट्रल कोलकाता। भाई पढ़ते हो ना? अब देखो, क्लास में एंट्री लेने के बाद पहला चीज़ जो मैंने देखा कि फर्स्ट बेंच पे, मतलब फर्स्ट बेंच की फर्स्ट जो रोज थे वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बैठे थे, और लास्ट ग्रुप ऑफ रोज में और एक ग्रुप स्टूडेंट्स बैठे थे। अब मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ जाके बैठूँ। अब यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके के स्टूडेंट्स मिले। इंसान के अंदर ही भगवान होता है। कुछ लोगों ने इस बात को थोड़ा सीरियसली ले लिया था। भाविक बंसल नमा, अक्षत कौशिक नमा, स्वास्तिक भटिया नमा, Oh भाविक no. बंसल नमा, नलिन खंदीवाल नमा, शोएब अब तक नमा। कि ठीक थोड़ा सा पीछे कोने में मुझे एक लड़का मिला, वो बैठ के कुछ मतलब पेपर में सॉल्व कर रहा था। तो मैं गया उसके पास, बैठा और बोला कि भाई क्या कर रहे हो। तो उसने मुझे बताया, भाई देख डिस्टर्ब मत कर मुझे, ये मैं कुछ लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करना हूँ। लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है कि हमारा ब्रेन एक्टिवेट रहता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम। इससे हम टाइम को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, और इससे हमारे न्यूमेरिकल का स्पीड बढ़ता है, इससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है। अब ये सुनने के बाद ये था मेरा कुछ रिएक्शन। अब ऐसा एक लड़का हर एक बैच में देखने को मिलता है। भाई पढ़ते हो ना? नीट इजी एग्जाम, पाती एग्जाम भाई, थोड़ा ओवररेट कोई चीज है तो पढ़ते लागे ना भाई। शुद्ध ये नोट्स दिए देवे, पढ़ भी सब कॉमन पे, अभी कोनो चाप नहीं। इसके बाद आएंगे हमारे एंटी एनसीईआरटी स्टूडेंट्स। डोंट रीड एनसीईआरटी, नो क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी, इट्स सच अ थिन बुक। एनसीईआरटी इज अ नथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, नो क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इट। ए ब्रो, व्हाई आर यू रीडिंग एनसीईआरटी? एनसीईआरटी इज ऑफ नो यूज। अरे भाई, मैं एम्स के क्वेश्चन पेपर देखा, एम्स के क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे। ए ब्रो, आर यू मैड और व्हाट? एम्स इज सच एन टफ एग्जाम, व्हाई विल ऑल क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी? गो एंड स्टडी हाई स्टैंडर्ड बुक्स, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स लाइक ट्रू मैंस, मॉडर्न एबीसी, व्हाई आर यू स्टिकिंग इन बुक्स लाइक एनसीईआरटी? तो मैंने सोचा कि हाँ भाई, चलो चलो भाई, ठीक है, गलती मेरी है, ठीक है, माई मिस्टेक, सॉरी सॉरी। अब इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ सोच रहे थे। अब क्या सोच रहे थे उनके फेशियल एक्सप्रेशन से तुम समझ सकते हो। तो अब ये सब देखने के बाद मेरे मतलब जो हाईली मोटिवेटेड माइंड था, तो थोड़ा सा मोटिवेशन डिक्रीज होने लगा था। तो मेरे अंदर एक गुस्सा का फीलिंग आ गया, मतलब मैं बहुत गुस्सा हो रहा था मेनली उस बंदे पे जो बोल रहा था कि पढ़ना नहीं है, ऐसे हो जाएगा। भाई पढ़ते हो ना? मतलब इस बंदे पे, हाँ। तो उसके साथ मैं बहस पे जुड़ गया, तो नहीं कैसे कह सकता है, नीट इजी एग्जाम है, देख 16 लाख बच्चे देते हैं, कितना प्रोबेबिलिटी है देने का, तेरा नहीं होगा सिलेक्शन, तू इसलिए बात कर रहा है। उसके बाद हम दोनों लड़ाई कर रहे थे, और एक बंदा आया हम लोगों को सेपरेट करने के लिए। और उसने हम दोनों को ये बताया। देखिए, तेरे को भी दुख है, इसको भी दुख है, और मेरे को भी एक छोटा सा दुख है। अब ये सब होने के बाद हम तीनों का एक बहुत ही अच्छा ग्रुप बन गया, और ये ग्रुप अभी भी परसिस्ट करता है। और लकी और फॉर्चुनेटली हम तीनों ही अभी मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्टेड हो चुके हैं। और इसके ऊपर भी एक स्टोरी टाइम वीडियो आएगा,
और हमारा पूरा जर्नी मैं उसमें डिस्कस करूंगा और फ्रेंडशिप कैसे बिल्डअप हुआ उसके ऊपर अलग एक स्टोरी टाइम वीडियो मैं बाद में चल के बनाऊंगा। और बस आज के लिए यही तक। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।